Good morning, students. How are you? You are welcome to CR International Online Classes. आज का आपका assignment 11th class के अंदर है 75, 58 for English medium, 75 for Hindi medium. इसके अंदर हम और जो weekend जो आपका chapter चल रहा है lesson number 9 से, उसके अंदर आपका topic है towns, trade and finance. Towns शहर या कस्बा कह सकते हैं इसको. Trade व्यापार होता है, finance वित्त जो पैसे का प्रबंध होता है, धन का प्रबंध होता है, उसको फाइनेंस कहा जाता है. इसे टाउन्स, ट्रेड एंड फाइनेंस के बारे में हम बात करेंगे. इसके अंदर कुछ टॉपिक इस तरीके से इसकी पैरन थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देता हूँ कि किसी भी देश के अंदर अगर हम जाते हैं तो सबसे पहले हम उसके शहरों को देखते हैं, गांवों को देखते हैं, वहाँ के कल्चर को देखते हैं, और इससे बात पता चलती है कि वहाँ कितना डेवलपमेंट हुआ है, कितना रिमेनिंग है. जैसे कि बात की जाती है 16वीं सदी की, 17वीं सदी की, 18वीं सदी की, तो धीरे धीरे उत्तरोत्तर गति से औद्योगिकरण की प्रक्रिया तेजी से इंग्लैंड में बढ़ रही थी, और उद्योगों की रफ्तार बढ़ने से, उद्योगों के ज्यादा मात्रा में खुलने की वजह से छोटे छोटे जो शहर होते थे वो बड़े शहर का रूप लेते जा रहे थे. पूरे कंप्लीट अगर यूरोप की बात करें तो सबसे ज्यादा जो शहर मतलब महत्वपूर्ण शहर होते थे उस समय 17वीं सदी में, तो उस समय इंग्लैंड के अंदर बहुत आधे से अधिक शहर अकेले इंग्लैंड में, और बाकी जो शहर होते थे वो पूरे यूरोप में फैले हुए थे. इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यूरोप ने औद्योगिकरण की दृष्टि से कितनी आगे अपनी प्रगति कर ली थी. लंदन जैसे, एमस्टरडम जैसे, और भी जैसे कि बर्मिंघम है, नॉटिंघम है, यॉर्कशायर है, यॉर्कशायर, लेसेस्टरशायर, और जैसे और भी बहुत से शहर उनके यहाँ पे इंग्लैंड के अंदर मौजूद थे, जो कि 11 शहरों का नाम उसके अंदर आता था, जिनकी आबादी काफी मतलब और शहर के मुकाबले में काफी आगे चल रही थी. इसके अंदर जो सबसे पहला टॉपिक है पॉपुलेशन ग्रोथ का है. इस दौरान 16वीं से 17वीं सदी में और 17वीं से 18वीं सदी के अंदर, यानी 200 वर्ष की अवधि के अंदर, बहुत तेज गति से जनसंख्या में बढ़ोतरी देखी गई, और जनसंख्या में बढ़ोतरी का जो आंकड़ा था वो बहुत तेज गति से बढ़ता चला गया. तो टोटल अगर हम जनसंख्या वृद्धि के आंकड़े को देखते हैं तो आधे शहर इंग्लैंड के अंदर यानी 11 शहर, और टोटल कुल मिलाकर 22 से 23 शहर, उस समय 50,000 से ज्यादा की आबादी वाले जो शहर होते थे उनको अति विशाल जनसंख्या वाला शहर माना जाता था. उसमें 11 शहर अकेले इंग्लैंड के अंदर थे और बाकी शहर पूरे यूरोप में स्थित होते थे. लार्जेस्ट सिटी लंदन एंड अदर कैबिनेट इंग्लैंड. यहाँ पे बताया गया कि लंदन उस समय पूरे विश्व का सबसे बड़ा और व्यापक शहर था, जहाँ पर विभिन्न प्रकार की फैक्ट्री यूनिट लगी हुई थी, रिहायशी मकान बने हुए थे. यहाँ मतलब इतना खुले क्षेत्र, मतलब अच्छी हवादार पार्क वहाँ पे बनाए गए थे, अच्छी अच्छी सड़कें थी और बसावट व्यवस्था बहुत अच्छी थी. तो लंदन अपने आप में बहुत ही प्रसिद्ध केंद्र बन चुका था, शिक्षा का हब भी बन चुका था, और भी बहुत सी गतिविधियों का केंद्र बिंदु था, जैसे कला या फिर विज्ञान या फिर जो कानून की शिक्षा प्राप्त करने वाले स्टूडेंट्स बाहर से पढ़ने के लिए आते थे. इसमें जो क्या है शहरों के बारे में जिक्र किया गया है वो ज्यादातर यहाँ पे बताया गया कि केवल इंग्लैंड में 11 शहर, बाकी जो शहर थे वो कंप्लीट यूरोप में फैले हुए थे. नेक्स्ट है लंदन है आल्सो एक्वायर्ड ए ग्लोबल सिग्निफिकेंस. लंदन उस समय पूरे विश्व में एक वैश्विक महत्व का शहर बन चुका था, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं था कि लंदन में रहने वाले उद्योगपति या फिर व्यापारी लोग अपने अंतरदेशीय व्यापार ही नहीं करते थे, वे लोग अंतरराष्ट्रीय स्तर का व्यापार करते थे, विभिन्न देशों को माल पहुंचाते थे, विभिन्न देशों से कच्चा माल यहाँ मंगवाते थे, और इस तरह से वैश्विक जो व्यापार और गतिविधि का जो केंद्र बन चुका था लंदन. लंदन जो पहले बताया जाता है कि लंदन की जगह, जब तक लंदन का विकास नहीं हुआ था, एमस्टरडम शहर फेमस था. एमस्टरडम से लोन वगैरह प्रोवाइड किए जाते थे सभी यूरोपियन शहरों को, लेकिन बाद में जब लंदन का विकास हुआ तो लंदन ने खुद और शहरों के लोगों को, नए नए उद्योगपतियों को लोन प्रोवाइड कराया.
ये उसकी तो उसके विकास का प्रतीक था। इसके अंदर यहाँ ये बताया गया कि लंदन ने हर तरीके से वैश्विक महत्व के खासतौर पर वित्त के क्षेत्र में और ट्रेड के विकास के रूप में यानी व्यापार के विकास के रूप में हर तरीके से और शहर के विकास के रूप में यानी शहरी जो आबादी है या शहरी संस्कृति है उस हिसाब से तो तेजी से इसका विकास देखने को मिला। थर्ड है लंदन रिप्लेस एम्स्टर्डम एज अ प्रिंसिपल सोर्स ऑफ लॉ। जैसे कि मैंने अभी बताया लंदन ने एम्स्टर्डम शहर को जो कि अपने आप में ऋण प्रदान करने का एक बहुत ही श्रेष्ठ केंद्र माना जाता था लेकिन उसको भी पीछे बिठाते हुए लंदन उस जगह पर आ गया, उसकी जगह उसने लंदन ने ले ली। नेक्स्ट है लंदन बिकेम द सेंटर ऑफ अ ट्रायंगुलर ट्रेड नेटवर्क दैट ड्रीम इन इंग्लैंड अफ्रीका एंड वेस्ट इंडीज। लंदन एक त्रिकोणीय व्यापार का केंद्र बिंदु बन चुका था जिसके अंदर त्रिकोणीय सूत्र कहते हैं क्योंकि जिसके तीन कोने हो या त्रिपक्षीय जिसके संबंध रहते हो। त्रिपक्ष कैसे, एक जैसे इंग्लैंड हो जाता है, दूसरा देश था अफ्रीका जो अफ्रीका के सभी महाद्वीप के अंदर जितने भी राष्ट्र थे उनका सभी का कुल मिलाकर अफ्रीका लिख दिया गया है एंड वेस्ट इंडीज और वेस्ट इंडीज के अंदर जो भी टापू छोटे छोटे जो देश आते हैं वो इसके अंदर काउंट किया गया है। तो यहाँ पर ये तीनों जो है इसका त्रिकोणीय व्यापार का केंद्र लंदन उस समय तक बन चुका था। इंग्लैंड में लंदन सबसे ज्यादा फेमस सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बन चुका था। वो कैसे, जैसे अफ्रीका से कोई माल आता है तो लंदन में ही मतलब उसको माल को उतारा जाता था और अगर लंदन से माल एक्सपोर्ट करना है अफ्रीका को तो लंदन के ही वाटर पोर्ट से वो जाता था। और नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट बाय वाटरवेज वाज चीपर एंड फास्टर देन बाय रेल। अगर स्थल मार्ग से किसी माल को ढोया जाना है या वस्तु विनिमय करना है कहीं भेजनी है बहुत ज्यादा मात्रा में कोई वस्तु भेजनी है या मंगवानी है तो जो स्थल मार्ग के अपेक्षा सड़क मार्ग के अपेक्षा कहीं ज्यादा जल मार्ग ज्यादा लोकप्रिय था, ज्यादा सस्ता था और जल्दी पहुंचाने वाला सुगम एक तरह से बहुत अच्छा साधन था लोगों के लिए, गरीब वर्ग भी इससे जुड़ सकता था। वैसे जो भौगोलिक जो नेचर है या भौगोलिक जो विशेषताएं हैं इंग्लैंड की वो इस तरीके से थी कि लंदन के अंदर या इंग्लैंड के अंदर जो बहने वाली नदियां हैं उन नदियों के अंदर इस तरीके से उनकी सफाई बहुत अच्छे तरीके से की जाती थी। उनके अंदर कोस्टर चलते थे जो बड़ी नाव चलती थी जिनके अंदर माल को ढोया जा सकता था आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर तेजी से लोग पहुंच सकते थे। और इसके अलावा इंटरकनेक्टिविटी भी थी, जिस भी जैसे कोई एक सहायक नदी आती है वो मुख्य नदी में आकर के गिरती है तो इस तरीके से उनका जो मिलन है उस स्थान को बहुत अच्छे तरीके से उस पर हैंडल किया गया था ताकि नाव में दुर्घटना वगैरह ना हो और सभी नदियों को और समुद्र से जो कि डायरेक्टली अटैच होती ही है तो उस तरीके से समुद्र में वहां तक पहुंचना आसान होता था और समुद्र मार्ग से बड़े बड़े जरियान एक स्थान से दूसरे स्थान पर जल बहुत जो होते थे उनके जरिए बहुत ज्यादा मात्रा में सामान को मंगवाया जाता था और भेजा जाता था। इस तरीके से जो जल परिवहन का एक सस्ता टिकाऊ और जल्दी और सुगम जो परिवहन का संसाधन उस समय विकसित हुआ उससे बड़ा बेनिफिट इंग्लैंड ने प्राप्त किया। आज के समय में भी इंग्लैंड जो है वाटर ट्रांसपोर्ट के जरिए बहुत मतलब ज्यादा मात्रा में निर्यात और आयात करता है। नेचुरल ट्रांसपोर्ट बाय वाटरवेज वाज चीपर इट हो चुका है द सेंटर ऑफ द कंट्रीज फाइनेंशियल सिस्टम वाज द बैंक ऑफ इंग्लैंड। किसी भी देश की आर्थिक गतिविधि को किसी ना किसी एक बड़ी संस्था के जरिए मोनेटाइजेशन करने की जरूरत होती है, उसको हैंडलिंग करने की जरूरत होती है। हमारे देश के अंदर भी एक केंद्रीय बैंक की स्थापना की गई है जिसको हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। ठीक इसी तरह का एक बैंक इंग्लैंड के अंदर स्थापित किया गया जिसका नाम था द बैंक ऑफ इंग्लैंड। द बैंक ऑफ इंग्लैंड की जो नींव रखी गई वो 1694 के अंदर इसकी नींव रखी गई, 1694 ईस्वी के अंदर इस बैंक ऑफ इंग्लैंड की नींव रखी गई और उस समय आर्थिक गतिविधि का केंद्र बिंदु लंदन तो था ही उसके साथ साथ जो प्रांतीय इलाकों के अंदर भी काफी संख्या में बैंक खोले गए थे। जैसे 600 बैंक ऐसे थे जो प्रांतीय केंद्रों के अंदर खोल दिए गए थे
और अकेले लंदन के अंदर 100 बैंक्स थे और उनके जरिए विभिन्न तरह का, जैसे किसी को पैसे चाहिए हैं, जमा करने हैं, प्राप्त करने हैं, या कंपनी के लिए लोन चाहिए, तो सभी तरह की आर्थिक गतिविधियां आसानी से हैंडल हो जाती थी, ये बताया गया। तो फाइनेंशियल जो सिस्टम था बहुत अच्छा और एक सुचारू रूप से चल रहा था। नेक्स्ट है पुअर पीपल हु आर अवेलेबल फॉर द वर्क फ्रॉम द विलेज। गाँव से आने वाले जो मजदूर होते थे वो शहरों में आकर के रहने लगते थे और उन्हें वहाँ रोजगार की गारंटी रहती थी, या एक तरह से उनको आशा होती थी कि उन्हें रोजगार मिल जाएगा। नेक्स्ट है न्यू फैक्टर्स। इसमें हम ये भी जोड़ सकते हैं कि जो पुअर पीपल होते थे वो सस्ता श्रम करके भी खुश थे, उनको कम कीमत देने के बाद भी, उनको मजदूरी कम मिलने के बावजूद भी वो काम कर रहे थे। न्यू फैक्टर्स, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, न्यू ट्रांसपोर्ट सिस्टम, दो नए तत्व या फैक्टर्स उस समय देखने को मिले। ये दो महत्वपूर्ण कारण थे उस समय जिसने औद्योगिक क्रांति को भी काफी हद तक प्रभावित किया, टाउन्स को, ट्रेड और फाइनेंशियल एक्टिविटीज को प्रभावित किया। उसमें टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का यूज फैक्ट्रियों के अंदर हुआ, ज्यादा से ज्यादा मशीनों का यूज हुआ, आविष्कारों की संख्या बढ़ी। जैसे कि माना जाता है 17वीं से 18वीं सदी के दौरान 26,000 आविष्कार हुए और 26,000 आविष्कारों में से बहुत से आविष्कारों को उनके परिणाम स्वरूप ही उनका इस्तेमाल धीरे धीरे स्टार्ट कर दिया गया और उससे बेनिफिट उठाने लगे। तो टेक्नोलॉजी का यूज करके और एकदम से उत्पादन में बढ़ोतरी होने लगी, क्योंकि पहले होता था कि जो मतलब छोटी मशीनों का यूज करते थे या जो कम विकसित मशीन है उसका यूज करके उसका उत्पादन हल्का रहता था, कम कर पाता था। लेकिन जैसे जैसे बढ़िया मशीनों का उत्पादन हुआ तो उससे उसकी टेक्नोलॉजी का लाभ लेते हुए उसका उत्पादन की जो क्वालिटी थी वो भी बढ़ी और उसकी क्वांटिटी भी बढ़ी, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों बढ़ी। न्यू ट्रांसपोर्ट सिस्टम, नया ट्रांसपोर्ट सिस्टम से मतलब है कि उस समय रेल मार्ग का विकास इंग्लैंड के अंदर हो गया था, पूरे देश को रेलवे नेटवर्क के जरिए जोड़ दिया गया था। सभी जिन क्षेत्रों में नदी मार्ग के जरिए कनेक्टिविटी नहीं थी उन क्षेत्रों को विशेष तौर पर इससे कनेक्टिविटी प्रदान की गई। अब आंतरिक क्षेत्रों के लोग बाहरी क्षेत्रों से यानी समुद्र के तटों के साथ में वो लोग अटलांटिक ओशन की जो बंदरगाह होती थी उससे कनेक्टेड हो सकते थे, जुड़ सकते थे। इसके बाद जो आपका शहर है, व्यापार है या कस्बे शहर और व्यापार और वित्त यानी धन, इसकी जो एक्टिविटीज है, फाइनेंशियल एक्टिविटीज है, उनके लिए कौन कौन से रेस्पॉन्सिबल फैक्टर्स हैं हम देख सकते हैं। जनसंख्या वृद्धि हुई, इसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि वाले शहर 11 थे जो अकेले इंग्लैंड में थे और बाकी अन्य कंप्लीट यूरोप में थे, जो कि आधे अकेले इंग्लैंड में और बाकी 11 शहर बाहर यानी अन्य देशों के अंदर हो चुके थे। लंदन सबसे बड़ा था। लंदन लंदन ने उस समय एक अंतरराष्ट्रीय महत्व का केंद्र के रूप में विकास कर दिया था, यानी उस समय तक एक प्राप्त हो चुका था, अंतरराष्ट्रीय महत्व के केंद्र के रूप में विकसित हो चुका था। लंदन ने एम्स्टर्डम को पीछे छोड़ करके और लोन प्रोवाइड करने में उसका स्थान ले लिया। नेक्स्ट है लंदन एक त्रिकोणीय व्यापार का केंद्र बिंदु बन गया इंग्लैंड, अफ्रीका और वेस्ट इंडीज के बीच। नेक्स्ट है वाटरवेज, अन्य किसी भी तरीके से जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होते थे उनसे कहीं ज्यादा सस्ता पड़ता था और सबसे तेज से तीव्र गामी माना जा रहा था। सेंटर ऑफ द कंट्रीज फाइनेंशियल सिस्टम बाय द बैंक ऑफ इंग्लैंड, और पूरे मतलब देश के अंदर सेंटर ऑफ कंट्रीज फाइनेंशियल सिस्टम के देश का जो वित्तीय व्यवस्था की हैंडलिंग के लिए एक बैंक की स्थापना की गई जिन्हें हम केंद्रीय बैंक कह सकते हैं। केंद्रीय बैंक की नींव रखी गई बैंक ऑफ इंग्लैंड, उस बैंक का नाम रखा गया बैंक ऑफ इंग्लैंड, हमारे इंडिया के अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। और ये कब रखी गई इसकी नींव, 1694 ईस्वी में, और 600 बैंक ऐसे थे जो प्रांतीय क्षेत्रों के अंदर विद्यमान थे। इसके जरिए भी जो रूरल बैकग्राउंड के लोग थे वो अपनी फाइनेंशियल एक्टिविटीज कर सकते थे, उसमें इन्वॉल्व हो सकते थे, पैसा चाहिए पैसा ले सकते थे, जमा कराना है जमा करा सकते थे। 100 बैंक्स इन लंदन, अकेले लंदन इतना विकसित हो चुका था कि उसमें 100 बैंक उस समय स्थापित थे, जिससे साफ साफ नजर आता है कि उस समय लंदन कितना ज्यादा विकसित हो गया था। नेक्स्ट बताया गया कि गरीब जो देहाती इलाकों से मजदूर
शहरों के अंदर आकर बस गए, फिर कम मजदूरी में भी काम करके खुश थे क्योंकि उन्हें रोजगार मिलने की संभावना रहती थी। आगे बताया गया कि दो फैक्टर ऐसे थे जिसकी वजह से इस तरह की गतिविधियां जो कि टाउन ट्रेड और फाइनेंशियल एक्टिविटीज हैं वो प्रभावित हुई। इसके अंदर पहला है टेक्नोलॉजी का यूज, जितना ज्यादा टेक्नोलॉजी का यूज हुआ उत्पादन बढ़ता चला गया और उसका रिजल्ट जो था औद्योगिक क्रांति के लिए सकारात्मक रहा। और न्यू ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इसने भी औद्योगिकरण को पंख प्रदान किए, इसने आंतरिक क्षेत्रों से जो कनेक्टिविटी थी वो बहुत अच्छे से हो पाई और तीव्रगामी परिवहन का संसाधन था। भारी मात्रा में सामान को लेकर के एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्री लोगों को भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने जाने में इससे सुविधा हुई। इंटरकनेक्टिविटी के लिए इससे अच्छा कोई संसाधन नहीं माना गया। इस प्रकार ये आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। इसको आप राइट करें, रिवाइज करें, लर्न करें। धन्यवाद।